अब दोस्तों आप फ्री में आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों ये कार्ड क्या है, इन कार्ड को कितने नाम से जानते हैं और इन कार्ड से क्या फ़ायदा है, पूरे जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, आप आयुष्मान कार्ड को दो नाम से जान सकते हैं, आयुष्मान कार्ड कह लो या फिर गोल्डन कार्ड कह लो। अब दोस्तों देखिए, ये कार्ड बनाने का जो है क्या फ़ायदा है, क्या ये कार्ड बनाने के लिए जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम पैसे की बात करें तो ये कार्ड अब जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये कार्ड बनाने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ये कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप ये गोल्डन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड बना लेते हैं तो आप जो है दोस्तों एक साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये कार्ड आप बिल्कुल फ्री में कैसे बनाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप ये कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम चेक करना होगा। अगर उन लिस्ट में आपका नाम है तभी आप जो है ये गोल्डन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इन कार्ड को बनाने के लिए पहले आप लिस्ट कैसे निकालेंगे, पूरे जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बनाना चाहते हैं और वो लिस्ट निकालना चाहते हैं जिन लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आप जो है ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आप ये लिस्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। या फिर दोस्तों आपको ब्राउज़र में टाइप करना है pmjay.gov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो भी आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस लोगो पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस लोगो पे क्लिक कर देना होगा। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सिंपली जो है इस तरह के वेबसाइट पर ले आएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप बिना डेस्कटॉप साइट का चेक करेंगे तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, आप चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पे जो कैप्चा शो होगा वो कैप्चा आपको इस जगह एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना होगा। जनरेट OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, तो वो OTP आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इस तरह से मोबाइल नंबर एंटर कर दिया और कैप्चा एंटर कर दिया। उनके बाद हम सिंपली जनरेट OTP पे इस तरह से हम क्लिक कर देंगे। जनरेट OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके जो है नंबर पे OTP भेजा गया, तो वो OTP आपको इस जगह एंटर करना होगा, जो कि OTP आपको जो है 6 अंक का मिलेगा। तो OTP आप इस जगह एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद दोस्तों इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरे पास OTP आ चुका है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों OTP एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया और OTP एंटर करने के बाद चेकबॉक्स पे इस तरह से क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है और जो भी आप स्टेट से आते हैं आपको सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों, मैं बिहार स्टेट से आता हूं तो मैं बिहार स्टेट इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। बिहार स्टेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए सिलेक्ट कैटेगरी लिखा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप 4 तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर HHD नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, राशन कार्ड नंबर से भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आपके पास अगर कोई पुराना मोबाइल नंबर है तो उस नंबर की मदद से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इन प्रोसेस में आपको मोबाइल नंबर से सर्च करके बताऊंगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है या फिर आप जो भी प्रोसेस से जो है यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि राशन कार्ड से, तो आपको सिंपली राशन कार्ड एंटर करना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर से सर्च करूँगा, तो सिंपली हम क्या किए, यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद सिंपली खोजे पे या फिर सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे फटाफट से मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से मोबाइल नंबर लिख दिया, उनके बाद क्या करेंगे, सर्च बटन पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो भी आप मोबाइल नंबर एंटर किए होंगे उस मोबाइल नंबर से जितने भी डिटेल्स होंगे आपको इस तरह से शो हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाले जो नंबर है ये नंबर आपको नोट करके रख लेना है। और दोस्तों देखिए, और भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि आप किस तरह से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो डिटेल्स पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए।
इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इनका जो जिनका भी आप चेक करें उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से नीचे आ जाना और ये वाले ऑप्शन को आपको पूरे बारीकी से प्रिंट कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आप लिस्ट निकाल लेते हैं तो चाहे उन लिस्ट को आप जो प्रिंट कर लीजिए या फिर दोस्तों आप PDF में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आपको जैसे वो लिस्ट और जिनका भी बनाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको दोस्तों जैसे कहाँ जाना होगा जहाँ पे आप फ्री में बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कुछ पैसे देकर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको जैसे नज़दीकी CSC केंद्र जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे नज़दीकी CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा और वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। हालाँकि आपसे कुछ पैसे लेंगे लेकिन वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्री में चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में मेरा जो है ये कार्ड बन जाए तो आपको दोस्तों देखिए आपके जो है पंचायत जो होते हैं मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत भवन या RTPS केंद्र पर संपर्क करें। यानी कि दोस्तों आपको अपना ब्लॉक विजिट करना होगा और वहां से आप फ्री में, जी हाँ दोस्तों, आप जो सो फ्री में जो सो आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप ब्लॉक विजिट करते हैं और वहां पे कहता है कि इस तरह का कोई भी कार्ड नहीं बनता है तो उस बीच आपको जो सो नज़दीकी जो भी CSC सेंटर चलाते हैं उनके पास जाना और वहाँ से आपको कुछ रुपये लिया जाएगा और उनको जो सो आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा जो आप लिस्ट निकालेंगे और आधार कार्ड, वो बहुत ही आसानी से तुरंत आपको आयुष्मान कार्ड बना के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी दी है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।